मैंने कुष्ठ रोग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं चुना, कुष्ठ रोग ने मुझे चुना। मेरा नाम सुमन है। मैं कोलकाता में डेलीप्रेसी मिशन के अस्पताल में जा रही हूँ। मेरे शहर से 6 घंटे लगते हैं। जब मैं 14 वर्ष की थी तो मुझे कुष्ठ रोग हो गया था। मेरे शरीर में एक छोटा छाला था जो ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार ये एक गहरा संक्रमित अल्सर बन गया। मेरे माता पिता मुझे कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे कुष्ठ रोग है। ये मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कुष्ठ रोग अभी भी हमारे समुदाय में कलंकित है। मैंने 1 साल के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी ली। मैं बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, लेकिन तंत्रिका को नुकसान था ही था। अल्सर ठीक नहीं हुआ है और संक्रमण मेरे पैर में फैल गया है। अब मैं अपने ऑपरेशन के लिए कोलकाता जा रही हूँ। मैं डर गई हूँ। मैं मेरे पैर का एक हिस्सा निकालने जा रहे हैं। COVID-19 के कारण मेरे माता पिता ने अपनी नौकरी खो दी है। ज़्यादातर दिन हम बिना भोजन के चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं परिवारों के लिए बोझ हूँ। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या जीवन फिर से पहले जैसा होगा? वह नहीं चल सकती, वह स्कूल नहीं जा सकती। यह मेरी एक लौती बेटी है, मैं अब उसे पीड़ित नहीं देख सकता। आपकी मदद से आज सुमन फिर से चल सकती है। वह स्कूल वापस जा सकती है। वह अच्छे भविष्य की आशा कर सकती है। आपका उपहार आज सुमन जैसी लड़की को कृत्रिम अंग दे सकता है। सुमन फिर से चल सकती है। आपकी मदद से